सुनो इश्का, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर आप लोगों की कोर्स में, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे हाई सेकेंडरी हो, चाहे कोई और बीएससी हो, उन सब जगहों पर यूज होता है। और वो वर्ड है फंक्शन, राइट? वो वर्ड है फंक्शन। और आप में से कई सारे बच्चे इस चीज से हमेशा परेशान रहते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या, और हम लोग इसकी स्टडी करते क्यों हैं, राइट? बिकॉज चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई और मैथमेटिकल ऑपरेटर हो, वहां पर डिफरेंट ये फंक्शन वर्ड बार बार यूज होता है। तो आखिर ये फंक्शन है क्या? मैं आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊं से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, राइट? अपने दिमाग को खुला रखते हुए जरा सोचिए कि हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं, कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो हंसने का हो, चाहे रोने का हो, चाहे गुस्सा करने का हो, चाहे शाबाशी मिलने का हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। दैट रीजन, वो जो रीजन है एक्चुअल में, वो रीजन इम्पोर्टेंट चीज है जिसके ऊपर ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। इट मीन्स दैट कि जब वो रीजन इनपुट होता है तो आउटपुट के रूप में आपको कुछ मिलता है, राइट स्टूडेंट्स? एक्चुअल में यही चीज इस फंक्शन के साथ में भी है। वास्तव में जिस भी मैथमेटिशियन ने इस फंक्शन के बारे में सोचा, उसने ये बहुत गहराई से सोचा होगा कि अगर लाइफ में होने वाली कोई भी चीज, राइट, किन्हीं चीजों के ऊपर, किन्हीं दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो क्या एक ऐसी मैथमेटिकल बॉडी या कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल बनाया जा सकता है जो कि हमें किसी छोटी चीज या छोटे इनपुट के लिए वो आउटपुट दे सके जिसके ऊपर की वो चीज डिपेंड करती है या डिपेंड है, राइट? इट मींस दैट कि क्या लाइफ में होने वाले जो कई सारे इवेंट्स हैं या मूवमेंट्स हैं या घटनाएं हैं, उनको मैथ्स के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, राइट? यही सोचकर मैथ में इस फंक्शन को डिफाइन किया गया। कैसे? हम लोग साइकिल पे चलते हैं, बाइक पर चलते हैं, रॉकेट उड़ता है, ठीक है ना? ये सारी चीजें होती हैं किसको ध्यान में रखकर? टाइम को ध्यान में रख के, राइट? और भी कई सारी चीजें होती हैं, मेन वेरिएबल टाइम होता है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं। तो क्या इन सब चीजों का असर इसके ऊपर पड़ता है? क्या मोटर बाइक की रेस का असर टाइम के ऊपर पड़ता है, राइट? टाइम कम ज्यादा करेंगे, रेस कुछ व्हाटएवर द वेलोसिटी कैन चेंज, कुछ चेंज होगी क्या, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमको मैथमेटिक्स में एक नई चीज की स्टडी करने के लिए प्रेरित करती है, और वही है फंक्शन, ठीक? फंक्शन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेट। ओके, सेट, सेट मींस आपको हिंदी में बोलते हैं इसको समझ, कि ये सेट होता क्या है एक्चुअल में। सेट और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसे आप बता सकें, डिफाइन कर सकें। उन सब ऑब्जेक्ट्स को अगर एक कलेक्शन बना दिया जाए तो उस कलेक्शन को कहा जाता है सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नंबर्स हैं, ठीक, हमारे पास में इंटीजर्स हैं, राइट? तो उन इंटीजर्स को अगर हम लोग एक सेट में रख दें, 0 ± 1 ± 2, राइट, ± 3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये जो सेट है, दैट सेट इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब वेल डिफाइंड है, राइट? तो ये है सेट। और
और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह से हमने कई सारे सेट बनाए हुए हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी है, सेट ऑफ रियल नंबर भी है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट हैं। लेकिन ये सिंबल याद रखिएगा ठीक, कि इस सिंबल के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये है सेट, राइट। अब सेट नंबर्स के अलावा अल्फाबेट्स का भी हो सकता है, सेट कुछ स्टूडेंट्स के नामों का भी हो सकता है, सेट कुछ जानवरों का भी हो सकता है। तो सेट कैन बी डिफाइन ऑन एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि तीन लोग खड़े हुए हैं और इन तीनों लोगों की ईमानदारी का सेट बनाओ, तो वो सेट नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। बिकॉज ईमानदारी इज नॉट अ वेल डिफाइंड, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ईमानदारी क्या है, क्योंकि ईमानदारी की कुछ लोगों के लिए अलग परिभाषा है, कुछ लोगों के लिए अलग परिभाषा है। तो ईमानदारी इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई यू कांट मेक अ सेट ऑफ ईमानदारी। और इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, उनके आप सेट नहीं बना सकते हो। तो ये हुआ सेट स्टेटमेंट। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि हम लोग एक सेट लें, राइट, एक सेट, दिस इज सपोज दैट सेट ए, और एक दूसरा सेट लें सेट बी, राइट, और यहां पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और यहां पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये समझने के लिए है। तो एक ऐसी रिलेशनशिप जो इन एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करे, राइट, दैट रूल, दैट मैपिंग, दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, राइट, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो इट मींस दैट कि this is just a superset of F A, right? Superset मैंने इसलिए word use किया क्योंकि हो सकता है कि यहाँ के कुछ element छूट जाएं जो यहाँ के किसी element से map ना करें। It means that कि ये जो function है, function F A, ये हमें ले जाता है कहां पर, ये फंक्शन एफ है जो ए के एलिमेंट को बी पर ले जाता है। स्टूडेंट्स, ये इसे लिखने का तरीका होता है कि फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन ए टू बी, मतलब इस ए में ये जो ए सेट होता है, ये होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन। स्टूडेंट्स, डोमेन एंड को डोमेन, हमेशा फंक्शन के अंदर जो इनपुट डाला जाएगा वो डोमेन से डाला जाएगा और जो आउटपुट आएगा वो कोडोमेन में आएगा। स्टूडेंट्स, आई रिपीट, डोमेन से इनपुट और कोडोमेन से आउटपुट आता है। स्टूडेंट्स, अब फंक्शन के कुछ नियम होते हैं। स्टूडेंट्स, फंक्शन के ये नियम होते हैं कि अगर आप ये इस फंक्शन, ये एक्चुअल में ये इनपुट हो गया, ये एफ है ना, और ये आउटपुट हो गया, तो रूल ये होता है कि अगर आप इस में, इस फंक्शन एफ में कोई भी एलिमेंट डालेंगे ए का, तो आपको कुछ ना कुछ यहां पर बी में जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां का कोई एलिमेंट आप इनपुट करें एफ में, यानी कि फंक्शन में, और आपको यहां कुछ ना मिले। इट मींस दैट हर एलिमेंट के लिए यहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जरूर। अब आप पूछेंगे, सर क्या डोमेन का कोई एलिमेंट खाली छूट सकता है जिसके के लिए यहां पर कुछ ना हो? तो ऐसा नहीं हो सकता है, पहली चीज। फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहां का एक एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से मैप कर जाए? इट मींस क्या ऐसा संभव है क्या सर? तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। इट मींस दैट कि एक डोमेन के एलिमेंट के लिए
कोडोमेन में दो इमेजेस यानी कि दो फंक्शनल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो वो जो भी रूल होगा वो फंक्शन नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब ये तो हुआ सिंपल फंक्शन का सेट थ्योरी के फॉर्म में आपको एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में कई सारे फंक्शंस देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, राइट, और उसने बोला है एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ आर, आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि इस फंक्शन एफ के लिए ये जो एक्स है, दिस एक्स एक्स इज दी एलिमेंट ऑफ डोमेन, दिस इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन, एंड दिस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, राइट। अब आप पूछेंगे यहां पर सर आपने डोमेन तो लिख दिया था, कोडोमेन कहां पर आएगा? तो इट इज वेरी इजी कि किसी भी फंक्शन में अगर डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो कोडोमेन भी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा स्टूडेंट्स, मतलब कि आप रियल नंबर इनपुट करोगे तो आउटपुट में भी हमेशा आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा इस पर्टिकुलर के लिए, हमेशा जरूरी नहीं है ये, इट डिपेंड्स कि वो फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ है। ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन हुआ है, दैट्स व्हाई डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर होंगे। और इसको और अच्छे से समझने के लिए चाहें तो इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय दिस वे, डिफाइंड बाय दिस वे। तो अब आप इसमें एक्स की जगह कुछ डालेंगे तो आपको कोडोमेन में कुछ मिलेगा, इट मींस एफ वन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मींस 3, आप एक्स की जगह 2 डालेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स दिस इज 6, एंड सिमिलरली आप एक्स की जगह कुछ भी डालेंगे तो आपको एफ एक्स कुछ मिलेगा। इट मीन्स दैट कि आप कुछ इनपुट कर रहे हैं और आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, कुछ इनपुट कर रहे हैं और कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है। अब ये जो चीज है ये हमारे तब और बहुत काम की हो जाती है जब हम किसी भी फंक्शन को टू डायमेंशनल यानी कि प्लेन पर ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। तो चलिए आइए जरा वो चीज मैं आपको यहां पर बताऊं। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद या फंक्शन को समझने के बाद कि हाँ भाई उसमें एक वेरिएबल होता है और एक फंक्शनल वैल्यू होती है, दैट फंक्शनल वैल्यू इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने अगर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो आपको ये पता है कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको fx यानी कि f1 इज इक्वल्स टू 3, f2 इज इक्वल्स टू 6, f3 इज इक्वल्स टू 11, और सिमिलरली नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। अब 2D में होता यह है कि भाई ये आपका एक वेरिएबल है, ठीक है ना, अगर ये वेरिएबल भी रियल नंबर हो और जो आपको मिल रहा है वो भी रियल नंबर हो तो रियल लाइन पर आप मान लीजिए इस एक्स को जो आप इनपुट दे रहे हैं और एक दूसरी रियल लाइन लीजिए उसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से, ठीक, और यहां मान लीजिए एफ एक्स को और इस एफ एक्स को चाहो तो एक नया नाम दे दो वाई। तो इन दिस केस
ये होगा आपका जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन। उसी तरह ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये माइनस थ्री, ये माइनस फोर, ये माइनस फाइव, ये माइनस सिक्स, माइनस सेवन। उसी तरह से इस परपेंडिकुलर, ये भी रियल लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये भी रियल लाइन है बिल्कुल इसी के जैसी, लेकिन दोनों के नाम हमने अलग अलग दिए हैं। ये भी प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, एंड सो ऑन। जब हम जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट को इस वाली लाइन पे लें और जो आउटपुट मिल रहा है उसको इस वाली लाइन पर देखें, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो चीज मिलेगी वो इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर पॉइंट के रूप में मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू वन डाला, मिला क्या अपने को, तीन, मतलब कि वन और थ्री। ये वन इस वाली लाइन पे यानी कि x एक्सिस पे और ये थ्री y एक्सिस पे, तो वन और थ्री मिलके क्या बनेगा, एक पॉइंट। तो ये रहा वन और ये रहा थ्री, तो मान लीजिए दिस इज द पॉइंट। ओके, आपने डाला टू, मिला आपको सिक्स, मतलब कि टू और सिक्स मिलके एक पॉइंट बनाएंगे, टू और सिक्स। तो टू ये रहा सिक्स, इसमें ये रहा सिक्स, राइट। जब आपने इसमें एक्स की जगह पर जीरो डाला तो आपको एफ जीरो इज इक्वल्स टू मिला टू, मतलब कि जब जीरो तो दिस इज इक्वल्स टू टू। जब आपने इसमें एक्स की जगह पर माइनस वन डाला तो आपको एफ माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू यानी कि थ्री मिला। इट मींस माइनस वन के लिए भी आपको दिस इज थ्री। उसी तरह जब माइनस टू डालेंगे, मतलब माइनस वन के लिए भी थ्री, माइनस टू जब डालेंगे तो अगेन यू विल गेट सिक्स, एंड सो ऑन। ये रहा सिक्स। तो जब हम इन सब पॉइंट्स को मिलाते हुए, जो कि हमें कैसे मिले थे, इनपुट और आउटपुट को जब साथ में हमने लिया तो हमें इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर वो पॉइंट मिला। वो पॉइंट मिला कैसे, टू यहां से हम चले, राइट, मतलब जो इनपुट डाला था उसके परपेंडिकुलर हम लोग चले, ठीक है ना। उसी तरह से जो आउटपुट मिला उसके परपेंडिकुलर हम चले, जहां पर क्रॉस कर गए वो हमारा पॉइंट इनपुट के लिए आउटपुट, राइट। तो हमने इन सब को मिला के, अब जब ये पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने कुछ बनाया तो जो भी बनता है स्टूडेंट्स, दैट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये ग्राफ होता है फंक्शन के लिए जो आपने डिफाइन किया था एक रियल सेट से दूसरे रियल सेट के पर। ये केवल ग्राफ केवल रियल नंबर सेट्स के लिए ही बनता है, मतलब जब डोमेन भी रियल नंबर हो, कोडोमेन भी जब रियल नंबर हो, तो मतलब जो आउटपुट मिल रहा है वो भी रियल नंबर हो, तो ही हम उन पॉइंट उस फंक्शन के लिए यहां पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन बनाया हमने एंड देन उसके बाद में उसको ग्राफ पर इस तरह से प्लॉट करना सीखा, ठीक। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स और इन इंजीनियरिंग। आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए और उसके बाद में फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करते आना चाहिए। किसी भी तरह के मैथमेटिकल फंक्शन के लिए ग्राफ इसी तरह से प्लॉट होता है। इनपुट डालते जाओ, आउटपुट मिलता जाएगा, हर इनपुट के को उसके आउटपुट के साथ मिला दो तो एक पॉइंट बनता जाएगा। उन पॉइंट्स को यहां पर इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर रखते जाओ, सबको मिला दो तो वो ग्राफ आ जाएगा। किसका ग्राफ आ जाएगा, उस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा जो आपने डिफाइन किया था। और ऐसे हर फंक्शन के लिए ग्राफ बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। देन ये तो हो गया फंक्शन और उसका ग्राफ। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको इस ग्राफ के बारे में थोड़ा और एडवांस में बताऊंगा। इट मींस दैट कुछ और आगे फर्दर टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।